हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है मैक्स हेल्थ केयर के अंदर रेगुलरली वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैक्स हेल्थ केयर की वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया था। तो आज फिर से हम जो मैक्स हेल्थ केयर की वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि स्टाफर्स या सीनियर स्टाफर्स की वैकेंसी है, ये पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए, जॉब का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। तो इमरजेंसी इंजरीज को ट्रीट करना है, डॉक्यूमेंट्स ऑल इंजरी इलनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं। ठीक है, मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, चेंज ड्रेसिंग वगैरह जो भी आपको चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो भी एक्टिविटी होंगी वो वाइटल साइंस वगैरह सभी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी है। एक अगर मैं बात करूँ तो यह एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको, कौन कौन सा वर्क आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ऐसा चीज़ें यहाँ पर क्या है डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बाकी मैंने डिटेल में बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिप्लोमा इन द जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, यानी कि आपके पास कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक्सपीरियंस रहेगा 0 से 5 ईयर, पोस्ट क्वालिफाई एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं इसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ द वैकेंसी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नंबर ऑफ द वैकेंसी रहेंगे 25, यानी कि 25 आपकी क्या रहने वाली है यहाँ पर वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करें तो सैलरी रहेगी 24,000 रुपये पर मंथ से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रहने वाली है। लास्ट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 30 नवंबर 2023 तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो 30 नवंबर तक आप क्या कर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, जॉब पब्लिशर की डिटेल की अगर मैं नाम बता दूं तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ईमेल आपको दी गई है, फोन नंबर आपको दिए गए हैं। किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो जाके इन पर कॉल करके और क्लियर कर सकता है, वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर सकता है। ठीक है, जॉब लोकेशन रहेगी मैक्स हॉस्पिटल पदपरगंज, यहाँ पर जो आपकी उस जॉब लोकेशन है वो रहने वाली है। एप्लीकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये देख लीजिए आपको किस प्रकार से यहीं से डायरेक्टली आपको फिलअप करना है अपने एप्लीकेशन को। इसमें क्या क्या दिया गया है ये देख लीजिए, नेम आपको यहाँ पर भरना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, आपकी करंट लोकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए लास्ट आपने कहा लीजिए यहाँ पर लास्ट एम्प्लॉयर आपको यहाँ पर बनना है, डेजिग्नेशन आपका बनना है कि स्टाफ नर्स है या फिर सीनियर स्टाफ नर्स है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस जो वैकेंसी की आती है वो आती है अपलोड द रिज्यूम, यानी कि आपको रिज्यूम के बारे में यहाँ पर अपलोड करना है। देख लीजिए फर्स्ट लेस देन 2 MB, यानी कि आपका जो रिज्यूम होना चाहिए वो 2 MB से आपका कम का यहाँ पर रिज्यूम होना चाहिए। और आपको क्या करना है कम्प्लीटली रिज्यूम को फिलअप करके और उसका जो PDF बनाकर, और PDF का साइज होना चाहिए 2 MB से कम। ठीक है, और उसको चूज फाइल पर क्लिक करके और डायरेक्टली इस पर अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना रिज्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो यहाँ पर अपना रिज्यूम है वो जरूर अपलोड कर दें। और रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पर क्या कर देना है सबमिट कर देना है। ठीक है, और सबमिट करने के बाद अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये यहीं से अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जल्दी से जाके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अप्लाई कर दे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो और अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी और वैकेंसी के बारे में अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।